रविंद्र जडेजा नए बल्लेबाज आए। बट ये तो ऑफ स्पिनर डालो लेकिन फुल टॉस मत डालो, क्योंकि एक डेटा ये भी है कि फुल टॉस भी बहुत अच्छा मारते हैं। मजे कर रहे हैं दोनों, आप दोनों हैं हमारे लड़कों के खेली। ये देखिए एक और गुगली और छोटी गेंद, जडेजा फिर से एक और बाउंड्री, इंडिया 261 फॉर 4। इस बार शॉट बहुत लंबा मारा है, सीधा दर्शकों के पास मारा है। गेंदबाज है जैक लीच, पर जडेजा की रीच कदमों के इस्तेमाल के साथ सराहनीय है। कदमों का इस्तेमाल ही था जिसकी वजह से बड़ा छक्का मारा जडेजा ने। अगर हर बॉल पे आप सोचते हैं कि अलग अलग करते हैं, यही होगा कि आगे गिर गया और तुरंत जडेजा ने पावरफुल शॉट मारे और एक और बाउंड्री। 275 पर चार है भारत 61 ओवर के बाद। एक और चौका लग रहा है, हाँ बीट्स द फील्डर देयर, गुड शॉट। ये तो आसान हो रहा है रविंद्र जडेजा के लिए क्योंकि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है। बढ़िया शॉट, ये देखना होगा उसमें उतनी ताकत और टाइमिंग है कि बिल्कुल है कि वो सीमा रेखा के पार ले जाएगी। और ये जडेजा का बहुत ही बढ़िया छक्के वाला शॉट, ये लगातार वो कोशिश कर रहे थे लेफ्ट आर्म स्पिनर को कदमों का इस्तेमाल करे। और ये छोटी गेंद से शुरुआत करी इस ओवर की, वो जो पाइन लेग का फील्डर है वो अंदर था और रविंद्र जडेजा ने उसका पूरा फायदा उठाया, बिल्कुल तोहफा दिया। और ये इसी के साथ फाइनली रविंद्र जडेजा ने अपना अर्धशतक पूरा किया, 11 बॉल के इंतजार के बाद 3 रन कंप्लीट किए। और अब ये सेलिब्रेशन भी देखने को मिलेगा, भारत में उनका ये 12वां अर्धशतक और ओवरऑल 30वां, इसी का इंतजार था सबको कि किस तरह से मुझे बल्ला चलेगा तलवार की तरह। बहुत ही बढ़िया पारी रविंद्र जडेजा।